हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल के बारे में। इस डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखें। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तभी आप इस दवा के बारे में पूरी नॉलेज ले पाएंगे, क्योंकि दवाइयों की हाफ नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होती है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखकर पूरी नॉलेज लें, तभी आप इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है दोस्तों, वो टेट्रासाइक्लिन क्लास की एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक में कई सारी कैटेगरी आती है, उन्हीं में से एक कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की यह होती है डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसका जो यूज होता है दोस्तों, वेक्टरल इन्फेक्शन को खत्म करने में इसका यूज होता है। इसके यूज हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको डिटेल में। तो अब बात करते हैं इसकी जो फेमस ब्रांड नेम आती है कि डॉक्सीसाइक्लिन जो कैप्सूल है वो किन किन फेमस ब्रांड नेम से मिलता है। हालांकि इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है, वैसे तो बहुत सारी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, बट जो इसमें फेमस ब्रांड है वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्सीसिप कैप्सूल, नोवाडॉक्स कैप्सूल, बायोडॉक्सी कैप्सूल, टेलराडॉक्स कैप्सूल, ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप इससे हटकर भी कोई और दवाई कैप्सूल ले सकते हैं जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन साल्ट होना चाहिए, ब्रांड नेम कोई भी चलेगा। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो यूज होता है दोस्तों वो होता है बैक्टीरियल निमोनिया, मतलब किसी को बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो गई है, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन को। इसके अलावा लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़ों का कोई इन्फेक्शन है फेफड़ों में बैक्टीरिया का, तो भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है किसी व्यक्ति को, तो भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सूखी खांसी है या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम जुकाम लगती है, उसको पानी आता है नाक से, तो भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइल में कोई सूजन है, ब्रोंकाइल जो होती है लंग्स के अंदर, उनमें कोई स्वेलिंग है, तो भी इस दवा को दिया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को। इसके अलावा दोस्तों इसको यूटीआई इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है, उन सब चीजों में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है यूटीआई के इन्फेक्शन में। इसके अलावा एक्ने और पिंपल में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। स्किन के ऊपर जो एक्ने और पिंपल हो जाते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में इस डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को दिया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक कर देता है। इसके अलावा आंखों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो भी ठीक कर देता है, कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन जब होता है आंखों में तो इस कैप्सूल को अगर आप देते हैं तो ये ठीक कर देता है। इसके अलावा एसटीडी नाम की जो डिसीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो उसमें भी इस दवा को दिया जाता है तो ये ठीक कर देती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, और साइड इफेक्ट में इसके आता है नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, तो फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इससे हटकर भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप इस दवा को रोकें और अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, मतलब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब ये कैसे काम करता है बॉडी के अंदर जाकर। तो ये जो होता है दोस्तों, ये बैक्टीरियो स्टेटिक होती है, तो ये जो है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, सावधानियों की, मतलब कौन कौन इस दवा को नहीं ले सकता। तो ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी है जिनको, तो वो इस दवा को ना लें क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं रहती है। इसके अलावा लीवर किडनी की, किसी को प्रॉब्लम है लीवर किडनी की, उसको समस्या है, तो वो भी इस दवा को ना ले। या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट लेता है, मिल्क प्रोडक्ट लेता है, कैल्शियम वाले उसके सप्लीमेंट चल रहे हैं, तो वो भी इस दवा को ना ले। तो ये इसके कुछ सावधानियां थी जो आपको ध्यान में रखना जरूरी थी। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है मरीज की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो वो आपको डॉक्टर आपको देखकर देंगे कि कितनी डोज आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपके एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीजों को चेक करके आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप खुद से इस दवा को ना लें या फिर वीडियो को देखकर इस दवा को ना लें। तो इसकी जो कॉमनली डोज होती है वो भी इसको 100 mg का कैप्सूल जो होता है डॉक्सीसाइक्लिन का, उसको सुबह शाम दिया जाता है, सुबह और शाम इसको दिया जाता है, 200 mg पूरे दिन में दिया जाता है, 100 mg सुबह, 100 mg शाम, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 7 से लगाकर 15 दिन तक इसको दिया जाता है।
अगर ज्यादा सीवियर है, ज्यादा सीवियरिटी खराब है, तो उसको 30 दिन तक भी दिया जाता है। और इसको लेने के बाद पानी पीने की ज्यादा सलाह दी जाती है, मतलब ज्यादा पानी पीना है इसको लेने के बाद। तो ये इसकी डोज होती है दोस्तों। तो हमने आपको पूरी जानकारी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में दी है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप में से काफी लोग चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।